Hello everyone, I am Prabhat Kumar Singh, and today we will read the poem An Elementary School Classroom in a Slum by Stephen Spender. To aaiye shuru kare. Far, far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds. Kehta hai far, far from gusty waves. Far, far. दो बार far का यूज किया गया, ग्रामेटिकल गलत है, लेकिन इसका मीनिंग है कि बहुत दूर, यानी बहुत दूर है, वंचित है किस चीज से? गस्टी वेव्स. गस्टी मीन्स स्टॉर्म में आंधी भरा, तेज वेव्स. यहाँ वेव्स, वाटर वेव्स की बात नहीं की गई, हवाओं की बात की गई, कह सकते हैं साथ में आप वाटर वेव्स की. इन सबसे ये बिल्कुल दूर है दी चिल्ड्रंस फेसेस, है ना, ये बच्चे इन चीजों से, यानी जो नेचुरल हवा है, यानी कि जो हवा का झोंका है, उससे ये दूर है. लाइक रूटलेस वीड्स, जैसे कि रूटलेस वीड्स हो, इनका चेहरा कैसा लगता है? चिल्ड्रंस फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स. वीड्स मीन्स खरपतवार, यानी अनवांटेड प्लांट्स. तो जैसे एक तो वीड्स की, खरपतवार की वैसे कोई वैल्यू नहीं होती, वो भी जब रूटलेस हो, यानी उनकी जड़ से उखाड़ दिया गया, तो भला उसका कोई मोल नहीं. वैसे ही ये बच्चे. द हेयर टर्न राउंड देयर पैलर, द हेयर, इनके बाल टर्न राउंड, अब टर्न मीन्स फटा हुआ, लेकिन यहाँ नहीं, इधर उधर फैले हुए, बिखरे हुए, राउंड देयर पैलर, पैलर का गया है ना, मतलब इधर उधर फैले हुए हैं. पैलर मीन्स येलो, पेल फेसेस. येलो तो पूरा पीला हो गया, लेकिन पेल मीन्स पीला, जो किसी बीमारी से या अन्य चीजों से, ऐसे किसी चीज से, किसी कमी की वजह से, या डेड पर्सन का फेस जो है उसको हम पेल कहते हैं, यानी कि पीला होना बीमारी से, किसी अन्य कारण से. तो उनके पीले फेस पर, पैलर पर जो है बाल इधर उधर फैले हुए हैं, अनको यानी कि अनकेम्प्ट है, बिना कंघी किए हुए. उसमें अब इसमें कई प्रकार के चाइल्ड की चर्चा की गई है, बहुत सारे चिल्ड्रन है. उनमें से द टॉल गर्ल विद हर वेयर डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की है उस एलिमेंट्री क्लासरूम जो स्लम में है. स्लम आप समझते होंगे झुग्गी झोपड़ी. तो झुग्गी झोपड़ी में जो स्कूल भी होता है वो वैसा ही होता है. उस पर ये इन्होंने कटाक्ष किया है ना, वो देखा है इन्होंने, महसूस किया, और उसको पोएम का रूप दिया है स्टीफन स्पेंडर ने. तो कहते हैं कि द टॉल गर्ल, एक लंबी सी लड़की है, विद हर वेड डाउन हेड, एक लंबी सी लड़की जिसका सिर झुका हुआ है. अब सिर झुका हुआ क्यों है क्लियर नहीं किया गया, लेकिन इसके दो कारण हो सकते हैं. पहला कि वो एक्सट्रीम पॉवर्टी में है, बहुत ज्यादा गरीबी की वजह से, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि झुग्गी झोपड़ियों में लोग टसल्स होते रहते हैं, फैमिली टसल्स जो है, हाथापाई, झगड़ा झंझट, किसी व्यक्ति मतलब किसी वजह से वो परेशान है, इसलिए उसने सिर झुकाया होगा. उसके बाद है द पेपर सीमिंग बॉय विद रैट साइज, तो एक टॉल गर्ल है जो हेड डाउन की हुई है. दूसरा एक लड़का है जो पेपर सीमिंग बॉय है, पेपर कागज, सीमिंग के जैसा मालूम पड़ना हुआ है, तो कागज के जैसा लड़का, इट मीन्स कि ये बहुत ही पतला दुबला लड़का, वेरी थिन, है ना, कि बात कहते हैं कागज की तरफ फूंक देंगे तो उड़ जाएगा, है ना. तो उसी तरीके से बहुत पतला एक लड़का भी है विद रैट साइज, और उसकी आंखें जैसे रैट्स की आंखें बाहर निकली होती हैं, वैसे ही उसकी आंखें भी बाहर को निकली हुई है. कारण क्या है इस आंखों से, आखिर पॉइंट क्या बताना चाहते हैं? इससे वो बताना चाहते हैं कि रैट्स की आई जो होती है उसमें दो बातें मेनली होती है, एक तो ये कि वो डरी डरी सी रहती है कि कोई आ ना जाए, और दूसरा कि वो इन सर्च ऑफ फूड होती है, भोजन की तलाश में वो हमेशा रहती है. तो रैट साइज है दूसरे बच्चे की. और फिर कहता है द स्टंटेड, यानी कि स्मॉल या प्रेस्ड, दबाया हुआ, अनलकी, है ना, दुर्भाग्यशाली, एक और लड़का है जिसकी बात कर रहे हैं. एयर, एच ई आई आर, इसको हेयर या हायर नहीं पढ़ेंगे बल्कि एयर या आयर पढ़ेंगे, या एच साइलेंट है, इसका मतलब होता है वारिस या उत्तराधिकारी. जैसे उत्तराधिकारी हुआ, पिता के बाद कोई एक ही पुत्र है तो वो सारा उसी का होगा, या चार पुत्र है तो वो चारों फिर उसके आयर है. तो यहाँ पर ये अलर्ट किसी धन संपत्ति की बात पॉइंट नहीं कर रहा है, यहाँ कह रहा है कि द स्टंटेड अनलकी आयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स, ट्विस्टेड मींस मुड़े हुए बोन्स के, मुड़े हुए हड्डियों के, आप समझ सकते हैं मुड़े हुए हड्डियों का उत्तराधिकारी, यानी इसके पिता को भी ये डिजीज,
है और पुत्र को भी है। तो कहने का मतलब कि आखिर ये क्या है, ट्विस्टेड बोन्स, आप समझ गए होंगे, जैसे पोलियो वगैरह की बीमारी होती है उसमें हड्डियां मुड़ी हुई होती है, ट्विस्टेड होती है, तो ट्विस्टेड बोन्स का वो उत्तराधिकारी अपने पिता की बीमारी इसको है, यानी खानदानी बीमारी इससे चलती आ रही है। एक तो गरीबी ऊपर से ये टेढ़े मेढ़े हड्डियां, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन है। ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नॉल्ड डिजीज है ना, रिसाइट, रिसाइट को हम लोग करते हैं कि पोएम वगैरह को रिसाइट करते हैं, लेकिन यहाँ रिसाइट यानी बतलाना है ना, यहाँ पर रिसाइट मतलब बतलाना, मतलब टू कैरी करना, क्या तो फादर्स नॉल्ड डिजीज, GNARLED, नॉल्ड, जी साइलेंट होता है, जी के बाद एन आ जाए तो वो जी साइलेंट होता है, यहाँ पर नॉल्ड डिजीज, नॉल्ड मीन्स भी वही होगा ट्विस्टेड, जिसके पिता को जो ट्विस्टेड बोन्स वाली बीमारी है उसको ये रिसाइट कर रहा है, यानी कि कैरी कर रहा है एक तरह से, हिज लेसंस फ्रॉम हिज डेस्क, और अपने लेसंस डेस्क से ले रहा है। इसके दो माने हैं, एक तो इट मे बी कि उस क्लास में उसे उसी बीमारी से संबंधित बातें बताई गई, या दूसरी यह भी है कि और डेस्क पे बैठ करके वो ट्विस्टेड बोन्स वाला भी है, फिर भी वो जो है सो पढ़ रहा है, हालांकि क्लास में पढ़ाई का कोई माहौल नहीं है, जैसा कि हम आगे इस पोएम में देखेंगे। एट बैक ऑफ द डिम क्लास, और उस डिम, डिम डी आई एम, डिम मीन्स धुंधला, अनक्लियर क्लास, यानी क्लास जो है उसमें कोई रोशनी वगैरह ठीक से नहीं है, छोटा सा है, डिंगी रूम है, गंदा सा है, तो उस डिम क्लास में है ना, वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, एक और लड़का है जो अननोटेड है, क्यों, वो पीछे बैठा हुआ है ना, स्वीट है, बहुत ही प्यारा सा है, और यंग है, छोटा, यंग मीन्स दो मीनिंग होते हैं, यंग मीन्स जवान भी, यंग माने छोटा भी। अब एलिमेंट्री स्कूल, एलिमेंट्री स्कूल का मतलब हो गया प्राइमरी स्कूल, जहाँ अप टू क्लास 5 पढ़ाई होती है, तो निश्चित रूप से ये छोटा ही होगा, तो यहाँ पर छोटा इस यंग का मीनिंग है, तो एक छोटा सा अननोटेड प्यारा सा लड़का है पीछे, हिज आइज लिव इन अ ड्रीम, जिसकी आंखें क्लास में नहीं है, ड्रीम में है, सपने में है, किसका, ऑफ स्क्विरल्स गेम, स्क्विरल मतलब गिलहरी, तो गिलहरी की खेलों में है ना, इन ट्री रूम, ट्री रूम में बने, ट्री में रूम कैसा बनेगा, हमारे ऐसा कमरा हमारे आपके रहने जैसा तो बनेगा नहीं, यानी ट्री में जो होल्स होते हैं, छेद होते हैं जिसमें गिलहरी आ रही है, तो उसके सपनों में वो खोया है, अदर देन दिस, यानी इसको छोड़कर, किसको छोड़कर, यानी कि जहां वो बैठा है वो कहां बैठा है, एलिमेंट्री क्लासरूम में, यानी क्लासरूम में तो पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन उसका ध्यान यहां नहीं है, बल्कि उसका ध्यान तो अदर देन दिस, यानी कि स्पाइरल्स गेम पे है, इसके अलावा। अब आइए, क्यों आखिर क्लास में ध्यान नहीं है, है ना, इसी बारे में स्टैंजा 2 में है। अब यहां स्टैंजा 2 हम पढ़ेंगे, ऑन शावर क्लीन वॉल्स डोनेशंस, शावर क्लीन, एक्चुअली दीवार जो है वो कमरे की दीवारें जो है वो येलो कलर से, यानी कि क्रीम कलर से पेंट की गई, तो क्रीम कलर तो अच्छा होता है, लेकिन क्या ये सावर है, अब सावर मीन्स क्या हो गया, खट्टा, फटा हुआ, यानी कि ये बहुत पुराना, जब कोई कलर किया हुआ बहुत पुराना हो तो कैसा लगेगा, फटा क्रीम जैसा, क्रीम कलर तो अच्छा हुआ लेकिन क्रीम फट जाए तो अजीब गरीब होगा, है ना, जैसे दाग धब्बे जैसा, ऐसे क्रीम कलर एकदम एक साथ क्रीम रहे, लेकिन वो सावर क्रीम है, यानी इधर उधर बहुत पहले पेंट किया हुआ है, वॉल्स डोनेशंस, अब सिर्फ एक वर्ड है डोनेशंस, लेकिन यहाँ डोनेशंस का मतलब दान वैसा नहीं, बल्कि जिन लोगों ने इस स्कूल को बनाने में मदद की, जो लोग डोनेट किए हैं, उन सब के नेम्स भी उस दीवार पे है, एक तो सावर वॉल्स है वो अनअट्रैक्टिव है, दूसरी बात कि उस वॉल पे जो है सो वो डोनेशंस के लिए लगे हुए हैं, जबकि होने तो कुछ और भी चाहिए। शेक्सपियर से, इसके अलावा शेक्सपियर का, यानी विलियम शेक्सपियर का हेड, या विलियम शेक्सपियर हम जानते हैं द वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट, या यूं कह लीजिए कि द मोस्ट फेमस पर्सनालिटी, जिन्होंने इंग्लिश को 10,000 वर्ड्स दिए, विलियम शेक्सपियर, जो भी इंग्लिश पढ़ता वो सब लोग नाम जानते, तो उनकी हेड है, हेड माने उनकी गर्दन ला के नहीं रखी गई, यानी कि उनकी तस्वीर है, पोर्ट्रेट है ना, यहाँ तक की तस्वीर है। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑन सीरीज, क्लाउडलेस एट डॉन, क्लाउडलेस बिना बादल का है ना, यानी साफ आसमान वाला, डॉन, DAWN, डॉन मीन्स प्रभात है ना, मॉर्निंग का, अर्ली मॉर्निंग का टाइम, सिविलाइज्ड डोम, राइडिंग ऑल सिटीज, और डोम्स गुंबद बने हुए हैं सिटीज में, वो सब जगह। अब ये क्या है, क्या यहाँ सिटी है, नहीं, सब सिटी नहीं, 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 नहीं। यहाँ तस्वीरें टंगी हुई है सिटीज की है ना, जो कि उसमें आपको क्लियर स्काई है और बड़े बड़े डोम्स चमक रहे हैं, गुंबद चमक रहे हैं घरों के ऊपर, यानी ऊंचे ऊंचे घर है, बिल्ड फ्लावरी
build, B-E-L-L-E-D, है ना, build means beautiful, flowery, फूलदार, है ना, और tyrolis, T-Y-R-O-L-E-S-E, tyrolis valley, यानी और भी तस्वीर, एक और तस्वीर है, जो valley की तस्वीर है ना, tyrolis valley की तस्वीर है, जहाँ पर क्या है, build flowery है, जो build है, beautiful है, flowery है, चारों तरफ फूल है, क्यों, ये contrast दिखा रहे हैं, आगे हम लोग इसमें जानेंगे, यानी ये सब चीजें यहाँ है, लेकिन इन बच्चों को ये सब चीजें नसीब नहीं है, सिर्फ वो तस्वीरों में देख सकते हैं। ओपन हैंडेड मैप और एक मैप भी लगा है क्लासरूम में। अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड, अवॉइडिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ल्ड का मतलब हुआ कि ये जो इनकी दुनिया है वो वर्ल्ड मैप है, मैप में दुनिया दिखाई गई है, लेकिन ये इनकी दुनिया नहीं, इनका मैप अलग है, ये रियल दुनिया के मैप जिसमें इनका कोई स्थान नहीं है, आगे हम देखेंगे इसे। So, and yet for these children, these windows, not this map, dear world. लेकिन इन बच्चों के लिए, है ना? इन बच्चों के लिए ये मैप या ये खिड़की जो इस क्लासरूम की है, वो उनके संसार का नहीं है, जैसे दूसरे संसार का। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मान लीजिए जो हमारे बस में नहीं है, तो वो हम कहेंगे कि हमारे लोग की नहीं है, तो दूसरे लोग की बात है। उनके जीवन में कभी ऐसी, आगे हम देखेंगे इसमें, उनके जीवन में कभी ऐसा कि वो खुला संसार हो, कहीं भी आ जा सकते हो, ऐसा नहीं। इनके जीवन तो बहुत ही दुखमय है, आगे इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन है। We are all their futures painted with effort. देखिए यहाँ सब कुछ क्लियर स्काई वगैरह की बात है, लेकिन हम कह रहे हैं कि we are all their futures. Futures मतलब फ्यूचर, इज अपोस्ट्रोफी इसका एक मतलब इज भी होता है। तो जहां पर कि है ना, all their future is painted with a fog. उनका सारा भविष्य जो है, future जो है, painted with a fog है। Fog means धुंध है, यानी उनके जीवन पर धुंध लगा हुआ है, उनके संसार में। A narrow street, है ना, उनके वो जहां रहते हैं वहां narrow street है, पतली सी गली है, sealed in with a lead sky, और उसका आसमान जो है वो lead sky है, lead। आप देखेंगे पहले पेट्रोल पे अब आता था अनलीडेड पेट्रोल, लीड माने शीशा, यानी एक तरह से कहिए जब वो धुआं बहुत निकलता है, प्रदूषण फैलता है, उसमें लीड की मात्रा भी होती है, जो कि साइंस के टीचर आपको डिटेल में बताएंगे। यहाँ इसका मीनिंग ये हुआ कि इनकी गलियां बहुत पतली है, तंग गलियां हैं, और ऊपर से क्या है तो आसमान में धुआं है, पॉल्यूशन है, जबकि यहाँ चित्रों में सब कुछ क्लियर क्लियर दिख रहा है। और far far from rivers, capes and stars of worlds, क्या है ना कि ये दूर है, फिर से उस लाइन को रिपीट किया गया, इन नदियों से, capes माने आप कह सकते हैं उसको बेसिन, जो रिवर बेसिन होता है, यानी रिवर के किनारे का मिट्टी वाला भाग, वैसे बेसिन ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा ये सब, एंड स्टार्स ऑफ वर्ल्ड, शब्दों के वो जो तारे हैं, इन सबसे बिल्कुल दूर है ये, इन बच्चों का इनसे कोई लेना देना नहीं, इनको नहीं मिलने वाला है। तो ये सेकंड स्टैंजा समाप्त हुआ, थर्ड स्टैंजा है। Surely Shakespeare is winged, देखिएगा जो लगे हुए हैं तस्वीरों में उन सबके बारे में कहते हैं कि शेक्सपियर इनके लिए विग्ड है, विग्ड मींस वैसे दुष्ट होता है, यानी इनके लिए यूजलेस है, वो पढ़े लिखे लेकिन इनको तो पढ़ाई से कोई मतलब है नहीं, इनको तो कोई माहौल नहीं है ऐसा। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, इनके लिए तो ये मैप एक बैड एग्जाम्पल है, गुड एग्जाम्पल तब वो जब हम उसको अपने जीवन में उतार सके, ये तो इनकी दुनिया तो बस तो तंग गलियां और धुआं भरे वातावरण है। With ships and sun and love tempting them to steal, है ना? तो जहां पर ships की तस्वीरें हैं, sun की, सूरज की तस्वीरें हैं, धूप की तस्वीरें हैं, है ना? And love tempting them to steal, इनको tempt मतलब होता है किसी को लालच देना एक तरह से, है ना? तो ऐसे लालायित हो रहे हैं ये इन सबको देख करके कि वहां से स्टील, S-T-E-A-L, चुराना होता है, वैसे भागना होता है कि यहां से ये जैसे भाग जाए। With mended glass, और क्या पैर रखा, एक मिनट, स्टील, for lives that slightly turn in their cramped holes, for because lives that slightly turn, है ना, इनके जो lives है, life का plural life जो है वो slightly, slightly means badly, ठीक है, बहुत ही बुरे तरीके से turn in their cramped holes, उनके cramped मतलब हो गया आपको tight, है ना, holes बिल में जाकर के जो है बुढ़े, वो बिल में जाकर के इनका, इनकी जिंदगी बिल में है, वो भी खराब बिल, यानी क्या है झुग्गी झोपड़ी, क्या होता है छोटा छोटा रूम होता है, बहुत कचरा इधर उधर होता है, तो क्या इनकी जिंदगी वो उधर मैप वगैरह में नहीं, बल्कि इनकी जिंदगी तो बस वही जो है सो नैरो आपको स्ट्रीट में इनका बीतना है, घर क्या है इनका, होल्स बताया इन्होंने, बिल बताया, बिल के जैसा है।
फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और इनके जिंदगी में बस फॉग से शुरू होता है और यह अनंत रात तक इनके जिंदगी में बस फॉग है, नहीं तो रात है, यानी कि उजाला नहीं है, ठीक है। ऑन दियर स्लैग हिप, है ना, स्लैग हिप का मतलब होता है ना, धातु मल का ढेर, यानी धातु मल का ढेर, फैक्ट्रियों से निकलने वाले धातु विभिन्न प्रकार के मटेरियल जो माइन वगैरह से निकलते हैं उनका ढेर, यानी गंदगी का ढेर, यानी ये पूछा गया, तो गंदगी का ढेर है। ऑन दी अर्थ स्लैग ही दी चिल्ड्रन, है ना, वो वहां रहते हैं, और दी चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, है ना, वो बच्चे क्या है, दी चिल्ड्रन वेयर स्किन्स, ये चमड़ा पहनते हैं, कैसा, थ्रू बाई बोन, जो हड्डियां जिनमें से छांपती रहती है, यहाँ पहनते हैं मींस उनके चमड़े से, एक्चुअली क्या है, ये पहनने का मतलब इनके चमड़े ऐसे है ना, यानी खुले बदन है, नंगे बदन है, तो दिख रहा है पूरा चमड़ा है, और उसमें से हड्डियां जैसे, है ना, बहुत पतला दुबला होगा क्या, हड्डी बाहर निकलता रहेगा, तो ये कह रहे हैं कि रेडिकुल कर रहा है, एक तरह से आयरनी कह रहा है कि उसमें से झांक रहा है, जैसे चमड़े में से हड्डी झांक रहा हो वैसा यहाँ नजारा है। फिर ये कहते हैं कि on the slag heap the children wear skins pipped through by bones and spectacles of steel, और उन्होंने क्या पहन रखा है, स्पेक्टिकल नजर का चश्मा, वो स्टील का पहन रखा है, लोहे का पता होगा पहना, विद मेंडेड ग्लास, और जिसके ग्लास भी क्या है, मेंडेड, मेंडेड मीन्स रिपेयर्ड है, ग्लास भी यानी कि टूटे हुए, और कैसे लग रहा है, लाइक बटल बिट्स ऑन स्टोन, ऐसे लग रहा है जैसे कि बोतल बिट्स को या किसी बोतल को फोड़ करके उनके टुकड़ों को जैसे किसी स्टोन पे बिठा दिया गया हो, यानी इन बच्चों का एक्चुअली, ये जो गरीब बच्चे हैं स्लम्स में रहते हैं, तो इनका काम है दूसरे के अमीर लोगों के जो फेंके हुए डिस्कार्डेड आर्टिकल्स है उसको जो है सो पहनना, है ना। ऑल ऑफ योर टाइम एंड स्पेस इज फॉगी स्लम, उनका ऑल दियर टाइम, सारा उनका समय और स्पेस जो है वो क्या है, बस वो फॉगी स्लम है, वो धुंध भरा स्लम है, धुंध माने ये नहीं कि हर समय जाने का सीजन है, हर समय वो फॉग रहेगा, माने जिंदगी का अंधेरा, भविष्य अंधेरा। सो ब्लर दियर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, है ना, इसलिए क्या करो, है ना, उनके स्लम्स को जो है वो मैप पर बड़े बड़े बना दो जैसा कि और सब है, यानी कि इनका आज क्या है, मैप पर इनके स्लम्स की कोई पहचान नहीं है, जबकि झोपड़ी तो कहीं किसी मैप पे होता नहीं, आइडेंटिफाइड सिटीजन भी ये नहीं कहे जाएंगे, नहीं मे बी कि उनको राशन कार्ड्स नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे, तो ये कह रहे हैं कि मतलब इनको भी जगह दो, ब्लॉट धब्बा की तरह ही सही, लेकिन मैप पे लगाओ, है ना, पोएट का कहना है। थर्ड स्टैंजा समाप्त हुआ, फोर्थ स्टैंजा जो लास्ट स्टैंजा है इसका, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर this map become their window and these windows that shut upon their lives like catacombs, unless, अब यहाँ unless, यानी कि जब तक की नहीं, कौन, governor, governor means यहाँ कोई राज्यपाल नहीं या कोई RBI का governor नहीं, यहाँ governor means जो govern करे, यानी सरकारी तंत्र, govern माने सरकार, govern से government बनी है, तो वही जो सरकार है, inspectors, अब inspector का मतलब ये नहीं कि police inspector, यहाँ inspector का मतलब है जो भी inspection करने वाले हैं, यानी जो अधिकारी पदाधिकारी है जिनका काम है सब गरीबों की देखभाल, देखो सरकार कोई भी हो गरीबों के लिए वो कहती है कि हम काम करते हैं, और ये लिख काम भी होते हैं, ये अलग बात है कि उन गरीबों तक ये लाभ पहुंचता है या नहीं, तो एक इंस्पेक्टर्स इवन की विजिटर जो उनको देखने आते हैं, ये सब मिलकर के क्या न करे, तो दिस मैप बिकम देयर विंडो, इनके लिए ये जो मैप है इनको इनके लिए विंडो बनाना होगा, एंड दीज विंडोज क्यों, क्योंकि दीज विंडोज, ये जो अभी जो इनका विंडो है, दैट शट अपॉन देयर लाइफ लाइक कैटाकॉम्ब्स, अभी का जो इनकी खिड़की है, इस क्लासरूम की जो खिड़कियां है, जब तक ये सभी लोग मिलकर के प्रयास नहीं करेंगे तब तक इनकी जो खिड़कियां है वो खिड़कियां ऐसी है जैसे कैटाकॉम्ब्स, CATACOMBS, है ना, कैटाकॉम्ब्स होता है आपको स्मशान जाने का, यानी जहां बर्निंग घाट जाने का, कब्र जाने का के लिए जो रास्ता, सुरंग जो होता है, इनकी जिंदगी बस वो कब्र की सुरंग जैसी है, तो सबको मिलकर के इनके लिए एक विंडो बनाना होगा, है ना। ब्रेक वो ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, ब्रेक वो ब्रेक मतलब तोड़ दो, किसको तोड़ दो, ये जो बेरियां है, ये जो जंजीर है, ये जो पर्दा है कि ये लोग सिर्फ नक्शे में जो साफ सुथरी जिंदगी देखते हैं, बाहर इनकी जिंदगी तो बहुत खराब है, इनको तोड़ो जब तक कि टिल दे ब्रेक द टाउन, जब तक इस टाउन को ब्रेक न कर दे, यानी कि अपना जो इनका जगह है इससे बाहर न जा पाए, एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स,
और इन बच्चों को जरा हरे भरे खेत भी दिखाओ भाई, ये गंदगी में जिंदगी में रहते हैं, एंड मेक दियर वर्ल्ड, है ना, और इनका वर्ल्ड जो है, इनका संसार जो है वो आप बनाओ कैसा, रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स एंड लेट दियर टंग्स रन नेक्ड इनटू द बुक्स द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री दियर दियर्स हुज लैंग्वेज इज द सन। कहने का मतलब है ये कह रहे हैं कि रन एज योर ऑन गोल्ड सैंड्स, यानी कि उनके संसार को सुनहरे रेत पर, है ना, सुनहरे रेत पर नीले आकाश की तरह बनाओ, जियोर मीन्स नीला स्काई ब्लू कलर, है ना, अर्थात उनको अंधेरी बस्तियों से निकालकर खुले संसार में ले जाओ, सैंड्स पे दौड़ने दो, ये जो गंदी बस्ती है यहाँ से लेकर के उनको सैंड्स पे दौड़ने दो, और इसके अलावा हरे और सफेद पेजों वाली पृष्ठों वाली किताबों को उनकी भाषा में लिखो, जिस भाषा में वो समझते हैं, ऐसा नहीं सिलेबस लगा दिया जिसमें वो समझ सके, और वाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन हिस्ट्री दियर्स, इतिहास उन्हीं का है, लास्ट में कहते हैं, है ना, इतिहास उन्हीं का होता है जिनकी भाषा जीवित होती है, तो इसलिए इनको भी भाषा पढ़ने दो, इनको भी प्राकृतिक भाषा पढ़ने दो। तो पोएम यहाँ पर एंड होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पर इस पोएम के स्टैंजा वाइज डिटेल्ड समरी दिए गए हैं, जिसे आप सर्च कर ले, या यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसको पढ़ना ना भूले, क्योंकि तभी हम पोएम्स के अक्सर डबल मीनिंग्स होते हैं, तो हम उसको समरी में, उसको स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन में हमने क्लियर किया, और चारों स्टैंजा का स्टैंजा वाइज एक्सप्लेनेशन है। इसके अलावा उसमें हमने आपको इंट्रोडक्शन भी इस चैप्टर का दिया है, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पोएम। थैंक यू एंड हैव अ